हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ड्राइंग एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्री में भी एक्सटेंसिवली यूज होता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ड्राइंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे और स्पेशली बात करेंगे ड्राइंग की मैकेनिज्म के बारे में विद द रेफरेंस ऑफ ड्राइंग रेट कर्व। मेरा नाम है डॉक्टर महंताप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ड्राइंग इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर आर अदर लिक्विड फ्रॉम ए मटेरियल बाई एप्लीकेशन ऑफ हीट। अगर हम हीट को अप्लाई करके हमारे सब्सटेंस के अंदर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर या कोई और लिक्विड है उसको रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम ड्राइंग कहते हैं। जो हमारी ड्राइंग की प्रोसेस है ये एक्सटेंसिवली यूज होती है जो है वेरियस इंडस्ट्रीज में, उसके अंदर जो ऑपरेशन होते हैं वेट सॉलिड में से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। हाँ, तो जो हमारी वो ड्राइंग की प्रोसेस है इसमें हम यूज़ करते हैं जो है थर्मल टेक्निक यूज़ करते हैं हीट अप्लाई करके सब्सटेंस को ड्राई करने के लिए। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है इट डिक्रीजेज फूड डिकम्पोजिशन कॉज्ड बाय द मॉइस्चर प्रेजेंट। अगर हमारे सब्सटेंस के अंदर मॉइस्चर रहता है तो वहाँ पे हमारे फूड को या हमारे वो सब्सटेंस जो सब्सटेंस है वो फास्टली डिकम्पोज होता है। अगर हम अपने सब्सटेंस को ड्राई कर लेते हैं तो ये जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है ये डिक्रीज हो जाती है या स्टॉप हो जाती है। इट जो है प्रिवेंट डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोब्स। अगर हमारे सब्सटेंस के अंदर मॉइस्चर है तो वहाँ पे माइक्रोब्स के ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अगर माइक्रोब्स ग्रो होते हैं तो हमारे सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं। तो अगर हम अपने सब्सटेंस को ड्राई कर लेते हैं तो माइक्रोब्स की ग्रोथ भी स्लो हो जाती है वो, जिसके कारण कि हमारा सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होता है। इट जो है प्रिवेंट बैक्टीरिया एंड मॉल्ड ग्रोथ सो इंक्रीज प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। हम सब्सटेंस को ड्राई करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाती है और उसके अंदर जो उसके मॉल्ड हैं उनकी ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण कि हमारे सब्सटेंस की स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस होती है, इंक्रीज हो जाती है। इट इज़ यूज्ड इन ग्रैन्यूल फॉर्मेशन। वो जब भी हम जब वो टेबलेट प्रिपेयर करते हैं तो जब उसके ग्रैन्यूल प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर हम ड्राइंग की प्रोसेस करते हैं, जिसके कारण कि जो हमारे ग्रैन्यूल्स हैं वो प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाते हैं, वो एक अच्छे फॉर्म में अच्छे जो है शेप में प्रिपेयर होते हैं। तो ये यूज़ किया जाता है जब भी हम ग्रैन्यूल्स को प्रिपेयर करते हैं, उसको फॉर्म करते हैं। जब भी हम किसी सब्सटेंस का साइज छोटा करते हैं तो उस कंडीशन में अगर हमारा सब्सटेंस प्रॉपरली ड्राई है तो उसका साइज रिडक्शन जो है वो मोर इफिशियंट होता है। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है ये यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग। अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ पे भी हम ड्राइंग की प्रोसेस करते हैं। हम स्प्रे ड्राइंग करते हैं जब हम लैक्टोज प्रिपेयर करते हैं और अगर हम किसी पाउडर का एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ भी हम ड्राइंग की प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो ये इसका पहला एप्लीकेशन है। हाँ, तो जो इसका दूसरा एप्लीकेशन वो है ये है जब प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। अगर हमें अपने सब्सटेंस को प्रिजर्व रखना है, उसको ख़राब होने से बचाना है तो उस सब्सटेंस को हमको ड्राई करना होता है। वो ड्राइंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अवॉइड डिटेरियोरेशन। अगर हमारे सब्सटेंस के अंदर डिटेरियोरेशन हो रहा है तो अगर हम उसको ड्राई कर लेते हैं तो इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई हमारा हालांकि क्रूड ड्रग है फ्रॉम द वेजिटेबल आर द एनिमल सोर्सेज तो उसके अंदर जो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है वो रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम उस सब्सटेंस को प्रॉपरली ड्राई कर दें। अगर हमारे पास कोई ब्लड प्रोडक्ट है या स्किन या टिश्यू का प्रोडक्ट है तो उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वेट फॉर्म में। अगर हम उसको ड्राई कर देंगे तो हमारा सब्सटेंस जो हमारा ब्लड प्रोडक्ट है वो उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगा। इसकी जो अगला इम्पॉर्टेंस है जो अगली एप्लीकेशन है वो है इम्प्रूव्ड कैरेक्टरिस्टिक। हम जब अपने सब्सटेंस को प्रॉपरली ड्राई कर देते हैं तो क्या होता है वो एक स्फेरिकल शेप में आ जाता है, उसके अंदर जो पार्टिकल साइज है वो जो है यूनिफॉर्म हो जाता है, फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है और सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ड्राई स्टेट में। हाँ, तो जब भी हम अपने टेबलेट के लिए अपने कैप्सूल के लिए ग्रेन्यूल्स प्रिपेयर करते हैं तो जब हम उसको ड्राई कर देते हैं तो वो आसानी से उसकी जो है फ्लूडिटी इंक्रीज हो जाती है और आसानी से वो कंप्रेस हो जाता है, मीन्स उसकी फ्लो प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाती है और कंप्रेशन में भी हमें आसानी होती है। इसका जो इसका अगला एप्लीकेशन है वो है इम्प्रूव्ड हैंडलिंग।
अगर हमारा सब्सटेंस ड्राई है हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ड्राइंग की मैकेनिज्म के बारे में। जो सॉलिड में वाटर होता है वो दो फॉर्म में उसके अंदर रहता है, पहला है बाउंड वाटर और दूसरा है अनबाउंड वाटर। अगर हम बाउंड वाटर की बात करें तो जो हमारा बाउंड वाटर है इज द मिनिमम वाटर हेल्ड बाय द मटेरियल दैट एग्जर्ट एन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर लेस देन द प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मीन्स इसके अंदर जो वाटर होता है, जो भी हमारा बाउंड वाटर है वो वाटर है वो जो कि एग्जर्ट करता है कम इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर प्योर वाटर के कंपैरिजन में, अगर हम सेम टेम्परेचर पे वो दोनों का इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। मीन्स इसके अंदर अगर कोई हमारा पार्टिकल है उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो हमारा कहलाता है बाउंड वाटर, अगर हम इसको सिंपली देखें तो। तो जो हमारा अनबाउंड वाटर है वो क्या है, अनबाउंड वाटर में इज द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड बाई द मटेरियल दैट एग्जर्ट एन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इक्वल टू दैट ऑफ प्योर वाटर एट सेम टेम्परेचर। मीन्स जो हमारा अनबाउंड वाटर है वो ये ऐसा वाटर होता है जो कि इक्वल जो है वेपर प्रेशर एग्जर्ट करता है प्योर वाटर के, अगर हम सेम टेम्परेचर पे दोनों को रखते हैं। मीन्स इसके अंदर अगर हमारा कोई सब्सटेंस है उसके वाइड स्पेस में जो वाटर रहता है उसको हम अनबाउंड वाटर बोलते हैं। तो ये तो हमारा हो गया वाटर, अब हम देख लेते हैं इसको रिमूव कैसे करेंगे। हीट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द मटेरियल टू बी ड्राइड इन ऑर्डर टू सप्लाई द लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजेशन ऑफ द मॉइस्चर। अब हम यहाँ पे हीट अप्लाई करेंगे और हीट कितनी अप्लाई करेंगे उसके लेटेंट हीट के इक्वल हम अप्लाई करेंगे जैसे कि हमारे मॉइस्चर का वेपोराइजेशन प्रॉपरली हो जाए। सो अब जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो ऊपर की सर्फेस है वहाँ का जो वाटर है या वहाँ का जो मॉइस्चर है वो इवापोरेट होता है। हाँ, जो निचली सतह पे वाटर है वो डिफ्यूज होके ऊपर आता है और फिर उसका इवापोरेशन होता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती रहती है। सो ड्राइंग इन्वॉल्व बोथ हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर। इसमें हम हीट भी ट्रांसफर करते हैं और हमारे सब्सटेंस का जो मास है वो भी ट्रांसफर होता है। हमारा जो वाटर लिक्विड फॉर्म में है वो जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके इवापोरेट वहां से होता रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ईएमसी। ईएमसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। इस कंडीशन में क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड हैव सेम वेपर प्रेशर एट द एटमॉस्फियर सराउंडिंग इट। मीन्स इसके अंदर जो वाटर होता है उसका जो वेपर प्रेशर वो एग्जर्ट करता है वो इक्वल होता है एटमॉस्फियर जिसके सराउंडेड वो है वहां पे जो वेपर प्रेशर है उसके इक्वल होता है। तो अगर हम इक्वेशन देखें तो इसमें क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वेट मास इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। इस कंडीशन में जो है दोनों जगह का वेपर प्रेशर इक्वल रहता है जिसके कारण कि न सब्सटेंस न मॉइस्चर उसमें एब्जॉर्ब होता है न वहां से जो है वो डिजॉर्ब होता है, मतलब हमारा रेट ऑफ ड्राइंग इस कंडीशन में जीरो होता है। अब जो ये कंडीशन है इस पर वो डिपेंड करके हमारा सब्सटेंस जो है उसमें से एब्जॉर्ब या जो है डिजॉर्ब होता है ईएमसी के रेफरेंस में। तो अगर हम पहली कंडीशन देखें तो इसमें क्या है, मॉइस्चर इन द सॉलिड इज ग्रेटर देन ईएमसी ऑफ द सॉलिड। इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा सब्सटेंस है उसके अंदर मॉइस्चर जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू जो आप इन्वायरमेंट है वहां पे जो है मॉइस्चर के। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी मॉइस्चर है वो जो है डिजॉर्ब होगा, मीन्स हमारे सब्सटेंस को छोड़ेगा, ड्राइंग की प्रोसेस होगी। बट जो दूसरी कंडीशन है इसमें क्या है, मॉइस्चर इन द सॉलिड इज लेस देन ईएमसी। मीन्स जो भी हमारा सब्सटेंस है उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो एटमॉस्फियर के मॉइस्चर से कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सब्सटेंस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और वो और वेट होता जो है चला जाएगा। अगर हमें ईएमसी मेजर करना है तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट जो है सैंपल्स लेते हैं और उनको प्लेस कर देते हैं इन ए सीरीज ऑफ क्लोज्ड चैम्बर सच एज जो है वो डेसिकेटर। इसमें अलग अलग वो डेसिकेटर में हम अपने हमारा जो सैंपल है उसको हम स्टोर करते हैं और अलग अलग कंडीशन वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। हर चैम्बर के अंदर एक जो है फिल्ड किया जाता है जो है सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं वो डेसिकेंट, वो जो कि क्या करता है कि वहाँ पे जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, इन्वायरमेंट की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखता है। अब जब हम इसको एक्सपोज करते हैं एक जो है पर्टिकुलर हालांकि पीरियड के लिए, तो क्या होता है, एक्सपोजर इज वो कंटिन्यूड
अंटिल द मटेरियल अटेन ए कॉन्स्टेंट वेट, ये एक्सपोजर हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारा जो मटेरियल है उसका वेट कॉन्स्टेंट नहीं हो जाता। अब यहाँ पे जो वेट में डिफरेंस है इनिशियल और जो लास्ट में हुआ उसको हम जो है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे ईएमसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, द डिफरेंस इन द फाइनल एंड इनिशियल वेट वो गिव्स मॉइस्चर कंटेंट, ये हमें मॉइस्चर कंटेंट प्रोवाइड करता है कि कितना मॉइस्चर पहले था और जब हमने उसको इवोपरेट किया उसके बाद में जब कॉन्स्टेंट वेट आया वहाँ पे, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो ईएमसी रीच हो गई, उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे सब्सटेंस से मॉइस्चर रिमूव होना स्टॉप हो जाएगा। और इन दोनों को मेजर करके हम अपनी ईएमसी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एफएमसी के बारे में। एफएमसी क्या है? फ्री मॉइस्चर कंटेंट, मीन्स जो भी हमारा सब्सटेंस है उसमें कितना मॉइस्चर फ्री है इवोपरेट होने के लिए। तो अगर हम इसको इक्वेशन में देखें तो फ्री मॉइस्चर कंटेंट इज इक्वल टू टोटल वाटर कंटेंट माइनस ईएमसी। हमने देखा था ईएमसी पे क्या होता है कि वो जो भी इवोपरेशन है वो क्लोज हो जाता है, तो जो टोटल मॉइस्चर कंटेंट है उसमें से हम ईएमसी की वैल्यू को अगर माइनस कर देंगे तो जो भी हमारी वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं फ्री मॉइस्चर कंटेंट। अब हम लोग देख लेते हैं रेट रिलेशनशिप। तो इसमें क्या है, इन दिस वेट स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ जो सफिशियंटली हाई मॉइस्चर कंटेंट टू बी ड्राइड इज प्लेस्ड इन ए ट्रे हुज बॉटम एंड साइड आर इंसुलेटेड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा वेट स्लैब है जिसको हमें ड्राई करना है और जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर है उसको हम जो है फैला देते हैं ट्रे के ऊपर, वो जिसकी वॉल जो है हर साइड से इंसुलेटेड होती है, केवल ऊपर से ओपन होती है। द एयर इज अलाउड ओवर द सॉलिड अंडर द कंट्रोल्ड ड्राइंग कंडीशन। अब हम उसके ऊपर एयर अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए, वो एयर जो है हमारी कंट्रोल्ड जो है कंडीशन में रहती है, जैसे कि एयर की जो हमारी वेलोसिटी है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए, टेम्परेचर उसका मेंटेन रहना चाहिए, ह्यूमिडिटी उसकी कंट्रोल होनी चाहिए और इक्विपमेंट का जो प्रेशर है वो भी कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, कंट्रोल जो है रहना चाहिए। अब जब हम इस प्रोसेस को करते हैं तो क्या करते हैं कि हम अपने जो हमारा स्लैब है उसका पीरियोडिकली वेट लेते रहते हैं, और वेट हम ये तब तक वो लेते हैं वो जब तक कि दो पीरियड के वेट जो है कांस्टेंट नहीं हो जाते। मीन्स इसमें हम तब तक वेट करते रहते हैं हर एक फिक्स इंटरवल पे जब तक कि हमारे स्लैब का जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं हो जाता। जब वो कांस्टेंट हो जाता है तब हम कुछ अपनी डेफिनेशंस इक्वेशन वहां से निकालते हैं। तो जो पहली इक्वेशन है वो है हमारा परसेंटेज लॉस ऑन ड्राइंग, जिसको हम एलओडी भी बोलते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ वाटर इन सैंपल इन केजी अपॉन टोटल मास ऑफ वेट स्लैब इनटू हैंडेड। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आती है वो कहलाती है परसेंटेज लॉस ऑन ड्राइंग, जिसको हम एलओडी भी बोलते हैं। उसके बाद हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट है इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर इन द सैंपल, मीन्स हमारा जो सैंपल था उसमें अलग कितना जो है वाटर था, अपॉन मास ऑफ द ड्राई सैंपल, जो हमारा ड्राई सैंपल जिसको हमने ड्राई कर लिया उसका कितना वेट है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट हमारे सब्सटेंस के अंदर निकल आता है। अगर हम ड्राइंग रेट की बात करें तो इसमें हम ये इसको कह सकते हैं ड्राइंग रेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर इन द सैंपल, मीन्स हमारे सैंपल में कितना वाटर था उसका वेट, अपॉन कितने टाइम तक हमने उसको ड्राई किया इनटू वेट ऑफ ड्राई सॉलिड, मीन्स जो हमारा ड्राई सॉलिड आया उसका वेट क्या है। इस इक्वेशन में हम इन वैल्यूज को पुट करके ड्राइंग के रेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, तो रेट वो रिलेशनशिप जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, और इस वो ग्राफ को हम अगर इस ग्राफ को हम कहते हैं ड्राइंग रेट कर्व, और इसके थ्रू हम अपने जो प्रोडक्ट का और अपने इक्विपमेंट की वो ड्राइंग जो कैपेसिटी ड्राइंग प्रोसेस को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो इस इक्विपमेंट में इस ग्राफ में अगर आप देखिए तो ये पॉइंट ए है, ये आपका बी है, ये सी है, सी को हम बोलते हैं क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, ये पॉइंट है डी, इसको हम बोलते हैं जो सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट, और ई जो है इंडिकेट करता है ईएमसी को, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को इंडिकेट करता है। अब हम लोग इस ग्राफ को जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है
वो है जो है आपका टाइम जो करेस्पॉन्डिंग टू ए बी मीन्स जो हमारा ए और बी है उसके बीच में क्या हो रहा है उसको हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारा ए बी है वो कहलाता है इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड, मीन्स इस प्लेस पे जो हमारा सब्सटेंस है और जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो दोनों आपस में एडजस्ट होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है वो ड्यूरिंग दिस पीरियड सॉलिड एब्जॉर्ब हीट, हीट एब्जॉर्ब करता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और जो भी हमारा मॉइस्चर है वो स्टार्ट करता है इवोपरेट होना। तो इस कंडीशन को अगर हम वो डायग्राम से देखें तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारा जो है सब्सटेंस है जिसको हमें ड्राई कर रहे हैं, हम हॉट एयर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, इस साइड से वो सब्सटेंस जो है हमारा इवोपरेट होता है। जहां हम हीट अप्लाई करते हैं वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है और जहां से इवोपरेशन होता है वहां टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है। इस कंडीशन में क्या होता है रेट ऑफ हीटिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्किंग, जितना हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उतना सब्सटेंस इवोपरेट हो रहा है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं तो इसमें है द टाइम करेस्पॉन्डिंग टू बी सी, इसके अंदर क्या होता है ये है कांस्टेंट रेट पीरियड, बी और सी के बीच को हम कहते हैं कांस्टेंट रेट पीरियड। इसमें क्या होता है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है और ड्राइंग भी उसी के साथ में कांस्टेंट रहती है, मींस जो हमारा ड्राइंग है और हमारा टेम्परेचर है वो सब्सटेंस का कांस्टेंट जो होता है। अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो इस कंडीशन में क्या होता है हॉट एयर हम अप्लाई कर रहे हैं, सब्सटेंस जो है हालांकि इवोपरेट हो रहा है और अंदर का जो मॉइस्चर है वो डिफ्यूज होके ऊपर की सरफेस पे आ रहा है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती रहती है। जो हमारा पॉइंट सी है वो क्रिटिकल मॉइस्चर और कंटेंट सीएमसी कहलाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है रेट ऑफ जो हमारे रेट है इवोपरेशन का वो इक्वल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। तो उसके बाद जो हमारी तीसरी कंडीशन है उसमें क्या होता है द टाइम करेस्पॉन्डिंग टू सी डी, हाँ सी और डी के बीच में क्या होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड। इसमें क्या होता है हमारा रेट ऑफ ड्राइंग पहली बार गिरना शुरू होता है। उस कंडीशन में क्या होता है हाँ द सरफेस वाटर रिप्लेस्ड रिड्यूस, मीन्स इस कंडीशन में जो भी हमारा सबसे डिफ्यूज हो रहा है वो कम रेट से हो रहा है जिस रेट से इवोपरेशन हो रहा है, मीन्स जो है हमारा इवोपरेशन ज़्यादा हो रहा है और डिफ्यूजन कम हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है रेट ऑफ जो है इवोपरेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब हम लोग अपनी फोर्थ स्टेज को देख लेते हैं तो इसमें क्या होता है द टाइम करेस्पॉन्डिंग टू डी और ई, डी और ई के वो बीच में क्या होता है इसको हम बोलते हैं सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड। इसमें क्या होता है वो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो हमारी वो ड्राइंग है वो ड्राइंग रेट फॉल रैपिडली देन फर्स्ट फॉलिंग पीरियड। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ड्राइंग का रेट है वो फर्स्ट जो हमारा फॉलिंग पीरियड था उससे भी तेज रेट ड्राइंग का गिरना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है एयर तो यहाँ पे आती है लेकिन जो है हमारा एब्जॉर्प्शन स्लो होते होते खत्म हो जाता है। अगर हम पॉइंट ई की बात करें तो ई क्या है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट ईएमसी और यहाँ पे जो भी हमारा सब्सटेंस है उसका जो इवोपरेशन क्लोज हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की इस प्लेस पे क्या है कि अगर हम ई के बारे में बात करें ई के आगे के बारे में बात करें तो उस कंडीशन में क्या होता है ड्राइंग का रेट हमारा जीरो हो जाता है, वो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट रिमेन कांस्टेंट, मीन्स हमारे सब्सटेंस का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है और मॉइस्चर कंटेंट भी उसके अंदर कांस्टेंट रहता है। उसके ऊपर अगर हम ड्राइंग की प्रोसेस अगर करते हैं तो वो हमारा वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है, मीन्स वहां पे कोई भी आपको ड्राइंग अचीव नहीं होगी बियॉन्ड द पॉइंट ई। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं भी कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।